दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा है ये जीव जिसका नाम पांडा है, ये बहुत खराब माँ है। ये अपने बच्चों को पैदा करने के बाद तड़पने के लिए छोड़ देती है। इस बात के पीछे की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों पांडा एक ऐसा जीव है जिसकी मीटिंग करने की क्षमता बहुत कम होती है, जिस कारण मादा पांडा 2 साल में एक बार बच्चों को जन्म देती है। जब मादा पांडा बच्चों को जन्म देती है उस समय बच्चे बहुत छोटे और कमजोर होते हैं, इस वजह से बच्चों को अपनी माँ की बहुत जरूरत होती है। दोस्तों मादा पांडा एक टाइम पीरियड में एक बच्चे को जन्म देती है, मगर कभी कभी मादा पांडा 2 बच्चों को भी जन्म दे देती है। दोस्तों मादा पांडा जब 2 बच्चों को जन्म देती है उस समय वो सिर्फ 1 बच्चे की देखभाल करती है और दूसरे बच्चे को मरने और तड़पने के लिए छोड़ देती है, क्योंकि मादा पांडा सिर्फ 1 बच्चे की देखभाल करने में समर्थ होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मादा पांडा दोनों बच्चों में से उस बच्चे को मरने के लिए छोड़ती है जो बच्चा दूसरे बच्चे की तुलना में कमजोर हो। तो आपको ये बात जानकर कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।